फरिश्तों ने भी चूमे इनके कदम, बचलने लगी सीने में धड़कन, बचलने लगी सीने में धड़कन, हमारे संग संग गुरु माता की लहरे धड़कने लगी। अगे जमीन पे कदम धड़कने लगे, अगे जमीन पे कदम, हमारे संग संग गुरु माता की लहरे।
मनहारी तेरी प्रतिभा में वारी वारी जाऊं, मनहारी तेरी प्रतिमा में वारी वारी जाऊं, मेरे पारस तेरे चरणों में मिनट उत शीशे झुकाऊं, जिस मुँह में तुम जान हो मेरी तुमको ही बस पहचान है मेरी, जिस मुँह में तुम जान हो मेरी तुमको ही बस पहचान है मेरी, कहाँ बना दे बेड़ा पार तू लगा दे, बिगड़ी मेरी बना दे बेड़ा पार तू लगा दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बोलो शिखर जीवानी बिना पार तू लगा दे, बाबा तिजा वाले बिगड़ी मेरी बना दे, नरेंद्रम फणीन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम
सतींदम सुभोजी भजी नाई शीशम मुनींद्रम गणींद्रम नमे जोड़ी हातम नमो दीप दीवम सदा पार्श्वनाथम गजेंद्रम महेंद्रम गयो तू छुड़ावे महा आगती नागे ती तू छुड़ावे महावीर ती युद्ध में तू जितावे महारोग ती दुख ती तू बचावे जय जय महावीर बोल जय जय महावीर कहता सदा शिव को महानंद भरता हरि अक्षराच उत्तम पिशाचम विषम डाकिनी की भई अवाचम दरिदीनी को दब दान दीने अपुतिन को तू भले पुत कीने महासंकटों से निकारी विधाता सभी संपदा सर्व को दे दाता महाचोर को वज्र को पैनिवारे महापोन को पुंजे ती तो उबारी महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शेरेश को वज्र मारा महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतारे स्वामी भजो मान तू देते को अकामी तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधीनम तू ही देव चिंता मणि नाग दीनम पशु नरक ती दुख ती तो छुड़ावे महास्वर्ग में मुक्ति में तो बसावे करि लोह कोहि में पाषाण नामी रति नाम सो क्यों ना हो मोक्ष गामी करि सेवता की करि दीप सेवा सुनी बेन सोई नहीं जानी बा जपी जापता को नहीं पार लागे धरे ध्यानता की सभी दोष भागे बिना तो ही जानी धरी भव घनी रे तुम्हारी कपाती सरी काज मेरे गण गण इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान निहार की तीजे आप समान दयालु प्रभु से दया मांगती हैं अपने दुखों की दवा मांगती हम अपने दुखों की दवा मांगती हम अपने दुखों की दवा मांगती जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान उपाध्यायाचार्य का ले सुख कारीना सर्व साधु और सरस्वती
चिन मंदिर सुख का अहीं चीत और पाश को मन मंदिर में धार परसे नाते जगत है ते कारे ओसामे तुम रत के धारे सुरनरे असुरे कैरी तुम सीवा तुम ही सब दीपन की रीवा तुमसे कर्म सत में हारा तुम की ना जगे काने तारा अश्विन सेने की राजी दुलारी मामा की आंखों की तारी कासे जी के सामे कहाए तारी पर जा मुझे उड़ाए एक दिन सब में त्रोकोनी की सेदे करन को वन में पहुंची हाथे पर कसे करियों बारी एक जंगल में गई सवारी एक तपस्वी दिखे वहां पर उसकी बोली वचन सुना कर तप से तुम क्यों पाप कमाते इस लगन में दीवे जला दे तपसी तभी को ताने उठाया उस लगन को चीर गिराया मरने के थे निकटे विचारे रहम प्रभु की दिल में आया तभी मंत्र नव कार्य सुनाया मर कर गोपाल सिताए पद्मावति धरने दे कहाए तपसी मर कर दीव कहाया नाम कमच ग्रंथों में आया एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर बन के डाले तप करती थी ध्यान लगाए एक दिन कमच वहाँ पर आए पूरन ही प्रभु को पहचाना बदला लेना दिल में ठाना बहुत अधिक बारिश बरसाई बादल गरजी बिजली गिराई बहुत अधिक पत्थर बरसाए समय तन को नहीं लाए पद्मावती धरे नींद भी आए प्रभु की सेवा चित लाए धरने धने पन फैलाया उस पर स्वामी को बैठाया पद्मावती ने पन फैलाया प्रभु के सर पर छत्र बनाया कर में नाश प्रभु जाने हो पाया समव शरण देने दे रचाया यही जगह कही चित कहाई आती की श्री जहाँ पर आई शिष्य 500 संग में ताना जिनको दाने सकल जाना काशीनाथ का दर्शन पाया सबने जिन धर्म अपनाया आई क्षेत्र श्री सुंदर नगरे जहाँ सुखी दी पर जा जगरे राजा श्री वसुपाल कहाई जिन मंदिर बनवाए प्रतिमा पर पाल निष्कर माया और अनेक मित्र बोलवाया वह मिस्त्री माँ से थपाता इसी बारिश था गिर जाता उपाय बताया परश दर्शन व्रत दिलवाया मिस्त्री ने व्रत पालन कीना और नी रंग चढ़ा नवीना गदर सतावन काके
माली गोयोले का है। बनी प्रतिमा को लिखे झट छुप गया कुई की अंदर। पानी का अतिशय भारे डोरे होए तारे बेमारे। जो अही छिप रे दैसी जावे सोनर उत्तम पदवी पावे। पुत्र सभ्यता की पढ़ती हो पापों की एकदम घटती हो। इतनी सील आवला भारी स्टेशन पर मिली सवारी। काम न करे के काम बराबर जिसको जाने सब नारे। किसी को छंदे बनाए हाथ जोड़े कर शीश नवाए। नित चालीस ही बार पाठ करे चालीस दे खेस गंदिया पार आए क्षेत्र में आएंगे। होए कुबीर समा जन्म दरिद्री होए जो जिसकी नहीं संतान नाम वंश जग में चले। नाम वंश जग में चले। बोले चिंतन पाशनाथ भगवान की जय हो। हम सब उतारी आरती प्रभु जी तेरी झोम झोम की। हम सब उतारी आरती स्वामी जी तेरी झोम झोम की। झूम झूम की परस नाच नाची झूम झूम की बाबा नाच नाची। हम सब उतारी आरती प्रभु जी तेरी झोम झोम की। हम सब उतारी आरती प्रभु जी तेरी झोम झोम के। ठिकाना सारा जग झूठा।
पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भगत दी पारियो था बिजिहारा, भगत दी पारियो था बिजिहारा। झूम झूम के रे बाबा नाच नाच के, झूम झूम के परस नाच नाच के, हम सब उतारी आती समी तारी, झूम झूम के हम सब उतारी आती प्रभु जी तारी, झूम झूम के झूम झूम के ओ नाच नाच के, झूम झूम के अजी नाच नाच के, हम सब उतारी आती प्रभु जी तारी, झूम झूम के। सुमिरन करत मिटे अब फेरी, तू श्री आरती सी धन केरी, सुमिरन करत मिटे अब फेरी। झूम झूम के रे परस नाच नाच के, झूम झूम के बाबा नाच नाच के, हम सब को तारी आती प्रभु जी तारी, झूम झूम के हम सब को तारी आती प्रभु जी तारी, झूम झूम के झूम के रे बाबा नाच नाच के, झूम झूम के बाबा नाच नाच के, हम सब उतारी आती प्रभु जी तारी, झूम झूम के हम सब उतारी आती प्रभु जी तारी, झूम झूम के। साचा ही दरबार
दरबार बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा मेरी कुंडलपुर वाली बाबा बाबा रे बाबा मेरी चांदनपुर वाली तेरा अजब लगा दरबार बाबा रे बाबा तेरा अजब लगा दरबार बाबा रे बाबा प्रभु चरणों में जान लगा ले अपना जीवन सफल बना ले नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा छठी यारा प्रतिमा दारी शावक बंदो आनंददारी छठी छठी आरती वर्धमान की पावापुर के आज करण की इसीलिए बाबा तेरी आरती करो तेरी आरती करो करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे झम 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 बाजे घुंघरो हाथों में दीपक लेके आरती करो देवा हो देवा पारस देवा दीवा हो दीवा पारस दीवा तुमसे बढ़ कर गो कमी तुमसे बढ़ कर गो दीवा हो दीवा पारस दीवा तुमसे बढ़ कर गो कमी तुमसे बढ़ कर गो संध्या करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर दीजिए बजे झम 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 बजे घुंघरो हाथों में दीपक देके आरती करो बजे झम 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 बजे घुंघरो हाथों में दीपक देके आरती करो जो कोई आरती करे करावे तो कोई आरती करे करावे इसीलिए बाबा तेरी आरती करो तेरी आरती करो करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बजे झम 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 बजे घुंघरो हाथों में दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की आइएगा पार्श्वनाथ स्वामी की आरती कीजिएगा चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो आरती उतारो थकी प्रतिमा निहारो आरती उतारो थारी प्रतिमा निहारो चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो आरती उतारो
तुजारी पिता अश्वसेन जी की राज तुजारी पिता अश्वसेन जी की राज तुजारी जन्मी हो ए बाबा जन्मी हो काशी का आज थारी आरती उतार चिंतामणि पारसना आज थारी आरती उतार आरती उतार सतीमानी हारो आरती उतार तारी सतीमानी हारो चिंतामणि पारसना आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारसना आज थारी आरती उतारो नहीं कर रही हैं वो भक्ति नृत्य करके तीन लोग के नाथ की आरती कर सकती हैं। हाँ जी भक्ति नृत्य कीजिएगा पूरी ऊर्जा के साथ। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसना आज थारी आरती उतारो चिंतामणि पारसना आज थारी आरती उतारो आरती उतारो ताकि प्रतिमा जय बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। आइएगा
दीपक की थाल लेकर मंडप के समीप आ जाइए। स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करति आरती भक्ति करति सुख एक मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करति आरती भक्ति करति शिव सुख मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो संभव अभिनंदन सुमतिनाथ स्वामी ओ प्रभु सुमतिनाथ स्वामी पदम सुपाश चंद्र प्रभो जी पदम सुपाश चंद्र प्रभो जी हे अंतर यमी ओम जय चौबीस प्रभो चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करति शिव सुख मिले विभो जय चौबीस प्रभो प्रभु वास पूज स्वामी स्वामी वास पूज स्वामी विमल अनंत धर्म शांति जिन विमल अनंत धर्म शांति जिन कुंतु शिव धामी ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करति शिव सुख मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो जी नमिनी मी स्वामी स्वामी नमिनी मी स्वामी पारस वीरा ध्याति बनने शिव गामी ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करति शिव सुख मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी प्रतिदिन जो करते
सनमति शादीवा दीरथ नाथ सनमति शादीवा दीरथ नाथ तीर्थंकर बनते ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करते शिव सुख मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करते शिव सुख मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो स्वामी जय चौबीस प्रभो आरती भक्ति करते शिव सुख मिले विभो ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो ओम जय चौबीस प्रभो जय बोलिए श्री ओम नमो श्री सिद्धाणु ओम नमो आयरियाणु ओम नमो अवजायणम नमो लोहे सावे साहूणम नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते मौल्यादिनाथ भगवान की चिंतवणी पार्श्वनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्म सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरु महान दृष्टि भूषमती माता जी की इंद्रध्वज महामंडल विधान सभी यहां पर भक्ति पूर्वक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गुरु मां का सानिध्य आप लोगों को इंद्रध्वज मैदान में मिल रहा है। भाई बातें बंद कर दे, अपनी अपनी बातें मत करें। भक्ति कैसी है? भक्ति अलग है, वो विधान में समर्पण अलग है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ढोल बज गया, आपने नाच लिए, चवर ढोरा लिए, यह आपकी भक्ति हो गई। यह तो इसलिए कराई जाती है कि जिससे कि किसी को नींद ना आए, कोई बोर ना हो कि वहां तो सुहाई सुहा हो रहा है और कुछ है ही नहीं। असली भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाना। भक्त भगवान की जो पूजा कर रहा है उसमें खो जाए, उसमें पागल हो जाए। जैसे कभी मेरा भी प्रभु की भक्ति में हुई ना, उसको यह नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही हूं। वो तो भक्ति में इस कदर पागल हुई कि या तो वह दिखाई दी या उसके सामने भगवान दिखाई दिए, तीसरा व्यक्ति उसको कोई। धनंजय कवि की बात आती है कि धनंजय कवि का एक ही बेटा जिसको सर्प ने काट लिया, घर से संदेश आता है कि आपके बेटे को सर्प ने काट लिया, सर्प ने डस लिया, आप जल्दी घर पर चलिए क्योंकि
बच्चा नीला पड़ चुका है। धनंजय कवि प्रभु की भक्ति में तल्लीन है, और यदि उनकी जगह हम हो और कहें कि बच्चे को चोट लग गई तो पूरा विधान कर लेंगे ना। यदि हमारे से कहा जाए कि बच्चे को चोट लग गई तो क्या करेंगे, बैठेंगे ना। अंतर मन से ना निकला लेकिन कहे कैसे। उस सर्प के कांटे हुए बच्चे को जिसने सर्प ने काट दिया वह नीला पड़ा हुआ है, इकलौता बेटा है, घर से संदेश आ रहा है, उसके बावजूद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको कोई ध्यान उससे हटने का, वो तो भगवान और अपने में संबंध बनाए हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान से बातचीत करने में लगे हैं, भगवान की भक्ति में इस कदर खोए हुए हैं, उन्हें कुछ दूसरा सुनाई नहीं दिया। जब नौकर ने घर पर जाकर कहा श्री सेठ जी तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, मैं तो सेठ जी को कितनी बार कह चुका हूं, तो सेठ आने को गुस्सा आता है, बालक को उठा दे दी है और पटक देते सेठ के पास। क्या उसके बाद ही बालक को सेठ जी ने आंख उठाकर देखा क्या? जिसका बच्चा सामने आ गया, सामने पटक दिया, उसके बावजूद उनको कोई चिंता नहीं हुई। इसलिए देखो कि कितने उदाहरण हमारे इसमें आते हैं। धनंजय कवि इतने मग्न हो गए कि बेटे के काटने के बाद भी बेटा सामने पड़ गया, फिर भी उनकी इंडस्ट्री छोड़ नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में तल्लीन है। चाहते तो एक बार पलट के देख भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उधर पलट करके नहीं देखा। और जैसे ही भक्ति उनकी पूरी हुई, जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि बच्चा मेरा पूरा नीला पड़ गया। भगवान से एक ही शब्द कहते कि भगवान कि यदि मैंने सच्चे मन से तेरी पूजा की होगी और यदि ये बच्चा मेरे भाग में होगा तो उसे कोई कुछ हो नहीं सकता। गंदो तक लेता है, नमोकार मंत्र जैसे छिड़कता है, बच्चा सोकर के उठा हो ऐसे उठ के बैठ जाता है। वह बच्चा इस कदर उठ के बैठ जाता है जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति हो और उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, वो उठ करके बैठ गए। ये किसका प्रभाव है? यह सब उसकी भक्ति का प्रभाव है, जो धनंजय कवि निरंतर भक्ति में लगे हुए हैं। एक सेठ और है, पीढ़ी पड़ी दर्शन तुम पाया, कोई महाराज जी हैं? मेरे को तो मालूम आप पता कौन से हैं, जिनको भिक्षा रोग का रोग हो गया था, समन भद्र पक्का कह रहे हो? सही है, चलो तुम कह रहे हो तो सही होगा। समंत्र भद्र स्वामी को कौन थे वे पहले, जब उनको भिक्षा का रोग हुआ था, मुनि थे ना, भिक्षा का रोग हुआ, उनको कहा गया कि कोई बात नहीं तुम अपना इलाज करो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम्हें कितनी भव्य आत्माओं का कल्याण करना है। तो वह सोचते हैं कि मेरे को ये भिक्षा का जो रोग हुआ है, ये भोग का रोग कहां शांत हो, कहां जाकर बैठ गए? शिव जी की। क्यों?
सामान तो मंदिर में भी आता है, लेकिन वहां पर ऐसा सामान आता है उसको बनाने की जरूरत। वह राजा से कहते हैं कि राजन, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि आप कितना, मेरे इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कितना ही सामान यहां पर रख दो, मैं सारा इसको किसको खिला देंगे, किसको खिलाएंगे। राजा ने सोचा कि इस पिंडली को कितना खिला देंगे, और ये खिलाने वाली बात करता है, यदि खाएगा तो कितना खा लेगा, एक लड्डू, दो लड्डू, दस लड्डू, कितना खाएगा। टोकरे भर भर के वहां पर रख दिए गए, लेकिन शर्त एक थी कि अंदर कोई नहीं होना चाहिए, अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे टोकरे भर भर के वहां पर रखे और थोड़ी देर बाद देखा तो टोकरे, कितनी बार यही सिलसिला चला, जब सिलसिला चला तो राजा को कुछ कि क्या चक्कर है कि आज तक हमने एक लड्डू नहीं खिला पाए, अरे टोकरे टोकरे। जासूस पता चला कि वो पिंडली पे खुद बैठ के आराम से खा रहे हैं, है? पिंडली पे बैठ करके खुद आराम से खा रहे हैं। जैसे उनको देखा कि तुमने हमारी पिंडली का अपमान किया है, अब तुम इसके अंदर इसके सामने सिर झुकाओ, माफी मांगो, तो एक ही जवाब आया कि राजन, तुम्हारी पिंडली के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो मेरा नमस्कार स्वीकार कर ले। राजन ने कहा कि तुम्हारे को यह तो सजा मिलेगी, नहीं तो तुम माफी मांगो। तुमने किसको नमस्कार किया था, क्या था उनके हाथ में, अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। जैसे उनने प्रतिमा को उसको अंगूठी को घुमाया, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया और पिंडली फटी और चंद्र प्रभु भगवान उसमें प्रकट हो गए। जैसे ही उसने नमस्कार किया, सम्मन भद्र स्वामी ने नमस्कार किया, पिंडली के दो टुकड़े हुए और चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। इसलिए कहते हैं पिंडली फटी दर्शन तुम पाया। उन्होंने पहले कह दिया कि राजन, इस पिंडली में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा नमस्कार स्वीकार कर ले। यह उनकी आस्था थी। मात अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होने के बाद उन्होंने नमस्कार किया और हम जिनेंद्र भगवान के साक्षात सामने नमस्कार करते हैं तब चमत्कार नहीं होता। कितनी भगवान कितनी बार भगवान के सामने गोले चढ़ाते हैं, कितनी बार जिनेंद्र भगवान के सामने नमस्कार करते हैं, तो हमारा सिर का दर्द भी ठीक नहीं होता। कितनी बार नमोकारमत की माला फेर लेते हैं, कितनी बार पाष्टनाथ स्तोत्र पढ़ लेते हैं, कितनी बार भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लेते हैं, तो भी हमारे कर्मों का ताला नहीं टूटता, तो भी हमारा कुछ नहीं होता। और इसी भक्तांबर के स्तोत्र से जिनने भक्ति करी है, मात भक्ति करने के माध्यम से 48 सालों से धार आ गए, वही भक्तांबर स्तोत्र है। उसी भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से लिखने माध्यम से कहीं पढ़ावा नहीं, जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते चले गए वैसे वैसे काव्य बनते चले गए और एक एक काव्य बनता गया और एक एक काला। जब वे बाहर निकले तो सारे पहरे भी ऐसे सो गए जैसे कोई है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, यह सब है तो वह भक्ति का प्रभाव है। यदि आज किसी को कोई संकट हो और कोई किसी के पास जाए
कि महाराज जी मेरे को कोई उपाय बता दो या माता जी कोई उपाय बता दो और उसको नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए दे दे। ए माता जी क्या दे रहे हो, तो रोज फेरता हूं है? कहते हो ना एक नंबर का मंत्र चाहिए। ये तो मैं कितनी माला फेर चुका, ठीक है ना? इसको तो कितनी बार जप चुका, रोज ग्यारह ग्यारह माला फेर चुका, 21-21 माला फेर चुका, 1,25,000 तक माला फेर चुका, तो भी कुछ नहीं हुआ। ये वाली नहीं चाहिए, कोई बढ़िया सी दे दो, अच्छी सी। अच्छी सी माला कौन सी होती है? क्या उसमें कहीं से परफ्यूम लगा हुआ होता है, कहीं सेंट लगा हुआ होता है, या उसके ऊपर कोई अच्छा भजन होता है? मंत्र वही है, लेकिन हमें उसके जपने का तरीका हमारा नहीं है। भगवान वही है, लेकिन हमारा दर्शन करने का तरीका सही नहीं है। आज हमने अपने मंत्रों के चमत्कार अपने आप खत्म करे हैं। शक्ति भगवान के अंदर वही है, सिद्ध चक्र विधान वही है, जैसे कि हमने कल नाटक में देखा था। श्रीपाल को कोण का रोग था और सिद्ध चक्र विधान किसने किया? श्रीपाल ने सिद्ध चक्र विधान करा था। तो क्या उसके पास सामग्री थी वहां? हम यहाँ पर दो दो थाली, तीन तीन थाली सामग्री चढ़ा देते हैं, चाहे कोई सा भी विधान हो, चाहे छोटा विधान हो या बड़ा विधान हो, एक थाली में तो अपना काम ही नहीं चलता। एक थाली में तो अपना काम ही नहीं चलता, दूसरी थाली भी चाहिए। दूसरी थाली में भी हो गई तो उसमें बादाम कम हो गए तो बादाम भी और चाहिए। पहले यह देखें कि जो मैना सुंदरी ने जंगल में विधान करा, क्या उसके पास पूरी सामग्री थी? पैसे वैसे तो बहुत सारे होंगे जंगल में, उसके पास खजाना होगा, खूब मोती चढ़ाए होंगे। उनने कोई सामग्री चढ़ाई हो या ना चढ़ाई हो, लेकिन अपना भाव जरूर समर्पण किया है, अपनी आस्था अपनी श्रद्धा को जरूर समर्पण किया है। क्यों? नहीं छोटे होए मुनि के बैना, क्योंकि मुनिराज ने बता दिया कि इसका दूर नहीं है। अब तब जो उस वजह से ये संकट झेल रहा है, कभी मैना सुंदरी ने ये नहीं कहा कि भगवान मैं परेशान हूं इनसे। क्या कहा था? कि और इनके कष्ट कितने। उसने ये कहा कि मैं तो बहुत परेशान हो गई, झेल के झेल के इनके दुखों से मैं परेशान हूं, कहा था ना? नहीं कहा कि हे भगवान मुझे और कुछ नहीं पता, जो इनको कष्ट हो रहा है वह कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, सिर्फ इतना बता दो कि और कितने बाकी हैं। जवाब आता है कि अब कष्ट दूर होने वाले हैं, मात्र एक विधान कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। और उसका चमत्कार ऐसा हुआ, जैसे जैसे गंधोदक छिड़कते गए, आज भी मैं बहुत जगह देखता हूं मंदिरों में गंधोदक लेंगे ऐसे और ऐसे छिड़केंगे, जो किसी के पैर पे गिरे, चाहे वो जमीन पे गिरे या कुछ भी हो, हमें तो करने से मतलब। एक बार एक को कहा कि तुम इस तरह गंधोदक मत छिड़का करो, तो वो कहते हैं कि मैंने सुंदरी में जो गंधोदक छिड़का था, वो कहते हैं मैना सुंदरी ने भी तो गंधोदक छिड़का था। अरे मैना सुंदरी ने किसी कोड़ी के ऊपर गंधोदक छिड़का था, किसी सही व्यक्ति को ऊपर नहीं छिड़का। उनको प्रॉब्लम थी, वो अपने हाथों से गंधोदक नहीं ले पाते थे, उनको दिक्कत थी, उनकी समस्या थी कि हाथों से गंधोदक नहीं ले पाते, इसलिए मैना सुंदरी ने हाथ में लिया और उनके ऊपर छिड़का, और जैसे ही जैसे गंधोदक छिड़कते चले गए, वैसे वैसे कुष्ठ रोग दूर हो गया। हमारा तो सिर का दर्द भी ठीक नहीं होता,
हम गंधोदक लगाते हैं या चिपड़ते हैं? गंधोदक को लगाते हैं या गंधोदक से पूरे शरीर की मालिश करते हैं? पूरे मुंह पे भी लेंगे, हाथ पे भी लेंगे, पेट पे भी लेंगे, कमर पे भी लेंगे, बस पैर बच जाते कि पैर पे नहीं लगाते अपने। अरे गंधोदक तो ऐसी वस्तु है जिसको मात्र एक बूंद लेकर के यदि अपने मस्तक पर चढ़ा लिया तो वह पूरे शरीर में अपना फायदा कर जाएगा, यदि आपने श्रद्धा से और आस्था से लगाया। जरूरी नहीं है हम लोग गंधोदक लेते हैं, एक हाथ में लिया दूसरे हाथ में पलटेंगे, चलते जा रहे पता चला गंधोदक नीचे गिरते चले, और दे दो थोड़ा सा और दे दो, अभी तो आया ही नहीं हाथ में। ये तो देखे उस गंधोदक जो हमारे नीचे गिर रहा है उसका मैं पाप कितना चढ़ रहा है। एक बूंद हमने हाथ मर के लेकर के अपने शीश पर लगा ली, एक बूंद ही वह काम कर जाएगी पूरे शरीर में। जैसे एक गोली खाने के मात्र से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। यदि किसी के पूरे हाथ पैर में दर्द हो तो कहां का गोली खाते हैं? पैर में भी खिलाते होंगे, हाथ में भी खिलाते होंगे, पेट में भी खिलाते होंगे, सिर में भी ठोकते होंगे। भाई सिर के दर्द हो तो सिर में ठोको और हाथ में दर्द हो हाथ में लगाओ। ये कह रहे गले में दर्द हो गला दबाओ। कहने का मतलब क्या है, मात्र एक गोली हम अपने मुंह से उतारते हैं और पूरे शरीर में घूम जाती है, वह तो एक गोली है, ये तो जिनेंद्र भगवान का नमन है। मात्र एक बूंद से पूरे शरीर में अपने आप चला जाता है, पहुंचाने की जरूरत, समय भी अपनी गति से चल रहा है। कहना तो बहुत कुछ था, यदि याद रहा तो कल शायद कहने की कोशिश करूंगा। जितना करें भले चाहे एक पूजन करें या एक माला फेरें या 9 बार नवकान मंत्र पढ़ लें, जरूरी नहीं है 108 बार करना। 9 बार भी यदि हमने मंत्र सच्चे मन से कर लिया तो वह 9 बार कहा हुआ मंत्र हमारे आत्मा को परमात्मा बना सकता है। बोली महावीर भगवान की। जवाने के ज्ञान से सोचे लो कालो, सोवाने मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाने भारते तो है सपो जिन रे, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। नोबर नमो जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। संख्या इतनी भी कम नहीं है कि आपकी आवाज तो मेरे ख्याल से पड़ोस में मंदिर तक के भी नहीं जा रही होगी और माताजी को भी सुनाई नहीं दे रही होगी। तो कम से कम पहले तो मेरी विनती आप लोगों से है कि महिला वर्ग इधर आ जाएं, छोटे छोटे बच्चे आगे आ जाएं और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दें जिसमें कोई बच्चा मंगलाचरण अपना प्रस्तुत करेंगे, कैसेट के माध्यम से आपको देखने में सहूलियत रहेगी। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु बाहर खड़े हुए हैं, मेरी उनसे करबद्ध निवेदन है कि वे कृपया अंदर आएं ताकि आप लोगों के आने से यहाँ पर 4 चांद लग जाएंगे। धर्म प्रेमी बंधु जो भी बाहर खड़े हैं कृपया अंदर आएं। थोड़ा सा बच्चों आप इधर आ जाओ, बच्चे इधर आ जाओ, महिला वर्ग इधर हो जाए। जिनवरवसेन जननी डिट्टम देवेन्द्र बिंद बंदम
वंदे तम सविता शेरसा। बोले गुरु नाम गुरुदेव विद्याभूषण समस्त सागर जी महाराज की जय हो। गुरुदेव अजय विद्याभूषण समस्त सागर जी महाराज की जय हो। परम जो गुरु में एक समान दृष्टि पुष्पमती माता जी की। चीनी की कमी से चाय फीकी लगती है, नमक की कमी से सब्जी फीकी लगती है, चीनी की कमी से चाय फीकी लगती है। जब फीकेपन की बात आई गई है, जब फीकेपन की बात आई गई है मेरे दोस्तों, तो तालियों की गड़गड़ाहट के बिना ये सभा मंडप भी सोना सोना लगता है। ये तालियों की गड़गड़ाहट के बिना सभा मंडप भी सोना सोना लगता है। अब मैं चार लाइनें जो है गुरुवर के चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। कुंद कुंद को नित नमो, कुंद कुंद को नित नमो, हृदय कुंद खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम धुल जाए, जीवन मम धुल जाए। तारन हार गुरु मा दृष्टि, तारन हार गुरु मा दृष्टि, तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, वहीं से दो आसी, मैं से दो आशी, मैं से दो आशी। बोले गुरु माँ दृष्टि भूषण माता जी की। अब आपके सामने कुछ बोला आपने, अब आपके सामने एक बच्चा आयुषी जैन। स्वागत। अब आपके सामने प्रसन्न मंच शुरू हो रहा है। सबसे पहले किससे पूछूं बताओ जय? बच्चों से। हाँ बच्चों से। आप ये बतलाओ मुनिराज पैदल क्यों चलते हैं? मुनिराज पैदल क्यों चलते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ नीरज जी बच्चे को जरा प्राइज दें। किसी से भी उत्तर पूछो तो माइक में पूछो, माइक दे दे करो, ये वाला दे दे करो। अब महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ जय, ध्यान से सुनना जय। प्रभुवर आज सुनो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो जी, बच्चों को पकड़ के बैठो, अपने पास लेकर के बैठो जय, दे दो कोई दिक्कत नहीं है जय, कोई बात नहीं बहन जी, ऐसे परेशान होगा बच्चा भी और आप भी डिस्टर्ब होते रहोगे, क्या फायदा। हाँ दूसरा प्रश्न महिला वर्ग से है जय, ध्यान से सुनना, दो शब्दों में उत्तर है उसका जय। प्रभुवर आप कैसे हैं, प्रभुवर आप कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, मैं से मतलब आप सब कैसे हैं,
प्रभुवर आप कैसे हैं और मैं कैसे हूँ, इसका उत्तर दो शब्दों में है। पुरुष वर्ग के लिए संख्या कम है मगर महिलाओं से कम नहीं है। इधर भी है भाई, तीन और हैं। सबके लिए खुला प्रश्न मन चाहिए। रवि आपके लिए भी है, ऐसे उदास मत बैठो जाए। 24 तीर्थंकर कहाँ कहाँ से मोक्ष गए बेटे आपके लिए नहीं, एक मिनट पहले सुन लो ध्यान से। 24 तीर्थंकर कहाँ कहाँ से मोक्ष गए, अरग के रूप में सुनाना है। अरग है इसका, अरग के रूप में 24 तीर्थंकरों के नाम आ जाएंगे, उसको अरग के रूप में सुनाना आपको। नहीं नहीं, एक एक ही अरग में, अरग के अंदर आ जाएगा। अगर मैं अरग का नाम दे दूंगा तो आप फट बता दोगे मैंने अरग का नाम रोक दिया इसमें। बाकी ये है 24 तीर्थंकर किस किस जगह से मोक्ष गए हैं, सबके नाम उसमें आ जाएंगे, खुलासा हो जाएगा आपका। हाँ नहीं, 24 तीर्थंकर कहाँ कहाँ से मोक्ष गए हैं वो बता रहे हैं पीछे। आओ बेटे आओ, ऋषभ अजित संभव। नहीं ये अर्घ बोल रहे हैं, ये तो स्थापना है। नहीं 24 की जो अपनी स्थापना है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन समाधि पदम सुभाष जिन राय। हाँ जी महेंद्र जी आप भी बता सकते हो, पूजा के बहुत बड़े ज्ञानी हो आप भी। जय सुकुमार जी, यार हिंदी ध्वज महामंडल विधान में बैठे हो जय, बहुत छोटा सा पर्सन है जय। चलो महिला वर्ग में कन्वर्ट करते हैं इसको, महिला भी बता सकती हैं जय। वो उठा रही, हाथ उठा जाओ, खड़े जाओ चश्मे वाली जो खड़े जाओ। विनीता जी मैं तो सबके नाम लेके बोल रहा हूँ, देखो जय कोई मैंने टेढ़ा पर्सन नहीं पूछा है, बहुत सिंपल है। हैं अलग अलग तो दुनिया बता देगी जय। जब पूजा करते हो पूजा में जो क्या होता है, नवीन भैया तो बोलते हैं अरग और आप लोग चढ़ा देते हो जो उसको, जाए उसको चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता जाए, जब तक के उसको खुद भी स्मरण ना करो तब तक के उसका कोई फायदा नहीं है। गंध अक्षत पुष्प ने वद दीप धूप फला वाली जलगंधाक्षत पुष्प ने दीप धूपायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोड़ कर मृत्यु करो शमेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजू सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। जलगंध पुष्प चारु दीप धूपायन करो दानत करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती कर समेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को। आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर उषारान जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब जी आप आइए जी, ताली बजाओ भैया, तालियों का ध्यान रखो। ये देखो सब लोग पूजा करते हैं मगर ध्यान नहीं आता किसी को, क्योंकि एक थाली से दूसरी चाली में माल चढ़ाना है जय। पुरुष वर्ग में 24 तीर्थंकर के कलर धोए के रूम में सुनाना है, बच्चों तुम्हारे से नहीं बड़ों के लिए। 24 तीर्थंकर के कलर धोए के रूम में सुनाना है, जिनवानी में लिखा हुआ है, कभी आपको अगर देखने की जरूरत है पेज नंबर ही बता दूंगा आपको जय। मैं भी आपकी तरह ही हूँ जय, हालांकि मैं पूजा इतना नहीं करता हूँ। जरूर आओ रवि जी। दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल 16 कंचन वर्ण है ते वंदो त्यों काल। अरे अब दो बता दे भैया। देखो रवि मेहनत करता है, दो गोरे दो सांवले दो हरित दो लाल 16 वर्ण कंचन के बंदो नमोती काल। जोरदार तारियां रवि के लिए। हाँ अमित जी आप आइए, दे दो जरा आओ रवि जी आओ। बच्चों के लिए
जो परम पद में स्थित हो उसे क्या कहते हैं, जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, आप बताओगे बेटे? परमेष्टि। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत। दो दो देते रोजा। आपका क्या नाम है? हाँ परवीन जी, मैं प्रदीप जी, मैं अभी शनिवार को आया था मंदिर जी में, आप जो पूजा कर रहे थे मुनि सूरजनाथ भगवान की पूजा कर रहे थे जो, तो उसी से संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ जो, मेरा ध्यान अपनी पूजा में कम था, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान था जो, मुनि सूरजनाथ भगवान की पूजा उनकी कितनी तो ऊंचाई है और कौन सा वर्ण है, माता पिता का क्या नाम है, स्थापना के अंदर सब कुछ आ जाता है, आप स्थापना करके उसकी बताओ मेरे को जो। कोई बात बढ़िया। श्री सुमित पिता जिनके गुणगान महापुरुष प्राणत स्वर्ग विहाय लियो जन जन्म सुराज गृह में आए, श्री सुमित पिता जिनके पद्मा जसुमात सुमात बनाई। 40% तो पास हो गया अगला। 20 धनु तन श्याम छवि अरु वंश करी और वंश बताई, सौ मुनि सुब्रत नाथ जपू तनु। बहुत बढ़िया नवीन, नवीन भैया, नवीन भैया इनको प्राइज देंगे। नहीं अगले कुछ और नहीं आते, बाकी डेड डेड डेस्क करते ब्रो, इतने में हो जाता है काम। अब देखिए आपके सामने एक धुन बज रही है, उस धुन को ध्यान से सुनना, सभी उसका उत्तर बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपस में बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे नहीं, यदि कोई एक दूसरे को बताएगा तो ईमानदारी से भगवान के दरबार पे बैठे हो, 5-5 माला फेर लेना, यदि किसी को मालूम हो तो वह हाथ खड़ा करेगा, सिर्फ वह धुन बताई जाएगी, आपको वो भजन बताना है कौन सा है। चल भाई इससे पूछो ढोलक अपने पेड़ वाले से, तो उसे पता थोड़ी नहीं है, देखो कसम के लिए हो तो सही हो दोस्त। चलो ये नवीन भैया का ऑर्डर है, हाँ नहीं क्यों उनसे पूछो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। आपने सुना तो नहीं है? नहीं उन्हें ये नहीं सुना, आप क्या कह रहे हो? जीवन की पहेली सुन जाने आया, जीवन की पहेली सुनी जाने आया, अपने बड़े माँ को मनाने आए हैं, जीवन की पहेली सुल जाने आए हैं, जीवन की पहेली सुल जाने आए हैं, बोले अपने बड़े को मनाने आए हैं। निजानंद जी आइए भैया, आइए भाई साहब, आपका शुभ नाम बेटे? योगेश जैन। ताली बजाओ भैया इसके लिए भी, जब तक ढोलक और पैड़ नहीं बजेगी तब तक हाथ पैर कैसे उठेंगे? बच्चों के लिए प्रश्न है ये, कसाई कितने प्रकार की होती है? कसाई कितनी होती है ये नहीं है, कसाई कितने प्रकार की होती है ये है, ध्यान रखना। कसाई 4 प्रकार की होती है, क्रोध मान माया लोभ। आओ जी अब एक धुन और बजेगी, उस धुन को आपको देखना है कि है कौन सी धुन है। पूरी हो जाएंगे एक बार। आई नवीन जी किससे पूछ बताओ? आज तक ऐसा कौन है जिसने अभी इनाम नहीं लिया एक बार भी? यहाँ पर पीछे खड़े हो जाओ, दे दो उनको दो पीछे।
प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। मीनू जैन आओ इनको प्राइज दे, मीनू आओ। आप फिर प्रश्न पूजा से संबंधित है सारे, मैं ये परीक्षा की घड़ी है कि आप पूजा में कितने सफल हैं और कितने असफल हैं। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी, जाए सफल तो सारे ही हैं, क्योंकि जो दो दो तीन तीन घंटे लगाते हैं सब नहीं, सफल, नहीं, सफल नहीं, नहीं ये कह सकते हो कि कितने आप लोग ध्यान से करते हो और कितने आप लोग घर की चर्चा पूजा में करते हो। वो मैं पहले कह चुका हूँ, ये पूजा में दो शब्द आते हैं, एक आता है सित, एक आता असित। सित सावन, सित साते सावन आई, समझ गए, सित साते सावन आई, मंगसिर असित मनोहर दशमी। सित और असित शब्द का क्या अर्थ है? सित और असित शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हाँ कोई और? सित और असित किसके लिए प्रयोग में होता है? पक्ष के लिए होता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। सित शुक्ल पक्ष के लिए, असित कृष्ण पक्ष के लिए। बहुत बढ़िया उत्तर दिया जाए। आओ मीनू जैन आ जाओ, मीनू आ जाओ। एक बार वो करें माइक से बता दो, क्या बताया उन्होंने? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सित साव सित साते सावन आई, शिव नारी वरी जिन राई, समेदा चल हरिमान हम पूजे मोशकल। सित शब्द का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष, असित शब्द का प्रयोग होता है कृष्ण पक्ष के लिए। जाए ऐसे कली और बदी, ये भी दो शब्द होते हैं, इनका भी अर्थ यही है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष जो है इनका भी अर्थ यही होता है। प्रदीप जी ये समझने वाली बातें होती हैं, जय ये गहराई की बातें होती है, पूजा पढ़ने की बात नहीं होती। जय पूजा तो रटी हुई है सबको, जय जवानी रटी पड़ी है। जय एक प्रश्न, अब आपके सामने नवीन भैया एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जय ध्यान से सुनना। जय एक बार उससे नमोकार मान छंदो, बच्चे स्थान बैठ जाएगी। लो बेटे इधर आओ, नमो काल मन सुनो, इसको दो मेरे को आपके पहले, ये लो पकड़ो इसको। नवीन भैया जी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, नवीन जी। हाँ आप भी सुना ना, बैठ जाओ अभी सुनेंगे। प्रश्न है, पार्श्वनाथ भगवान और चंद्र प्रभु भगवान का क्या पूछा मैंने, बताओ आप। अब आपने हाथ उठाते बताओ ने क्या पूछा। चंद्र प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का को ऐसा कल्याणक जो एक ही दिन आता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, चलो खड़े हो जाओ। चंदा प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक पोषपदी एकादशी के दिन आता है। और कुछ भी आता है क्या उस दिन? मैंने कहा आपसे पूछा क्या, मैं तो करवाता है, आता है, बैठ जाओ। अच्छा चलो नाम तो दे दो। चलो राजेश की मम्मी विवेक बिहार से आई हुई हैं, वे आए और मीनू को जो है प्राइज दें। राजेश की मम्मी आज मैंने शांतिनाथ भगवान की पूजा करी है, बुधवार का दिन है, शांतिनाथ भगवान की मैंने पूजा करी, हो सकता प्रदीप जी आपने भी करी हो जाए, नहीं करी जाए, ये विधान विधान करते हैं, ये विधान कर रहे हैं। चलो तो उसमें जो है ना दो नाम आए हैं,
मैंने आज गौर से देखा, बाकी तो मैंने कभी गौर नहीं करा, आज स्पेशल ध्यान करा मैंने। गजपुर और नागपुर, गजपुर और नागपुर ये दो नाम उसके अंदर आए हैं। सर्वारत विमान त्याग गजपुर में आए, बादल सुख एक और ऐसे नाम है उसमें नागपुर आता है। ये किसके लिए आता है, गजपुर और नागपुर किसके लिए प्रयोग में आता है? आओ जी विनीता जी। शांतिनाथ भगवान के लिए आता है। वो है और चीना जी से पूछ लो भाई। हस्तिनापुर के लिए। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, हस्तिनापुर के लिए। गजपुर और नागपुर हस्तिनापुर के ही नाम है जय। और आप पूजा की स्थापना करते हो, नीचे कॉलम खिंचा हुआ है गजपुर और नागपुर हस्तिनापुर के ही नाम है। नवीन जी मैं ठीक कह रहा हूँ? गज से मतलब उसमें हाथी का है और हस्तिनापुर सब हाथी का है और नागपुर भी उसी का ही सब दिया गया है। दिया है क्या बात है, ताली भाई हमें एक बार जोरदार। नहीं अब हो ही गया तो फिर अब देखो एक प्रश्न, माता जी दृष्टिभूषण आर्य के माता जी ऊपर विराजमान है और दशलक्षण पर्व पर पालकी वाले दिन छोटे बाजार के जैन मंदिर में माता जी गई थी। वो प्रवचन मैंने भी सुना है और औरों ने भी सुना है, जितने वहां पर नाचे गए थे सब ने सुना, नवीन भैया भी वहां मौजूद थे। मैंने उस दृष्टांत को बहुत ध्यान से सुना, उसमें ये बताया गया है कि आचार्य श्री कहते हैं जब शरीर के रोम अपने नहीं है तो शरीर अपना कैसे हो सकता है। वे कौन से मुनिराज हैं जिनको 12 वर्षों तक नमोकार मंत्र भी नहीं याद हुआ और इतना कहते ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उन मुनिराज का क्या नाम है? ये माताजी ने दृष्टांत दिया था छोटे बाजार के अंदर जी है, मैंने ध्यान से सुना था, हो सकता आप लोग भी वहां पर शामिल हो, महेंद्र जी भी वहां पर थे। सुनने की बात है, अमल करने की बात है। तो वे कौन से मुनिराज, मुनिराज का सिर्फ नाम बताना है। सिबूति मुनि। बहुत बढ़िया उत्तर, ये ध्यान से सुनने की बात है। नवीन जी ठीक उत्तर है, गलत है? मुनि शिव भूति मुनिराज। अभी प्रश्न नहीं है, ये तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप लोग पूजन में कितने द्रव चढ़ाते हो? कितने चढ़ाते हो? 8, ठीक है ना? कोई एक ऐसा अर्घ जिसमें 8 का एक ही अक्षर हो और वह सुर में आना चाहिए, वह अक्षर, वह अक्षर सुर में आना चाहिए, 8 का एक ही अक्षर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बीच में खड़े जाओ। अष्टम वसुधा पाने को, किससे? चलो आप बताओ, आइडिया नहीं तो एयरटेल तो होगा। मैं कह रहा हूँ वो पूरा अर्ग ही है और शुरू में उसका एक छोटा सा अक्षर आता है। बेटा बताएगा खड़ा हो? अक्षत नहीं बाबू, रतन वाला अम्मा जी खड़े हो जाओ। अभी सब कहेंगे हाँ ये तो मुझे पता था। सोच निर्मल नहीं, इतनी लंबी कहानी नहीं है। अरे अम्मा इतनी लंबी कहानी नहीं है, आए बंदा जाओ बताओ। जल चंदन नहीं 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 नहीं, इतनी लंबी कहानी नहीं, वो तो बहुत छोटी जगह से है। दे दो नहीं दो, एक मिनट एक मिनट दो पहले। हाँ तो मुझे नहीं पता, आता नहीं आता मुझे क्या जानू। जल चंदन अक्षत पुष्प चरूले दीप। ना 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 उन्हें दो, इनसे पूछो, टीचर जी है। ओम ह्रीम श्रीम जो नो मिला तो नहीं अभी, आ जाओ
यही तो घुमाने वाला है। एक ही अक्षर माएंगे। सजी आठो दरव पुनी, जो आठ द्रव चढ़ाते हैं, आठ द्रव का एक छोटा सा अक्षर है वो बता रही है विनीता जी। अरे अनिल जी, विनीता जी बता रही है। आगे आ जाओ ना, उठ के आगे आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा तुम चलो, थोड़ा ये चाहिए कम बने। आठों द्रव को मिला के जो बनाते हैं वो अरब कहलाता है। वो तो मुझे भी मालूम है, वो अक्सर पूछना मुझे, इन्हें दे दो। अष्ट द्रव, वो तो मुझे भी मालूम है, उन्हें आ जाओ ना, सभी ट्राई कर लो, कोई बाकी ना रह जाए। आठ द्रव में रग बना, आठ तो उसमें है ही नहीं। चलो इनको दे दो, ये भी ट्राई कर ले एक बार। संपूर्ण महार्ग ना, सब हार गए। वसुद्रा पे सवारी तुम डिगे डारी, वसु का मतलब होता है आठो द्रव, तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत छोटा सा अक्षर है। हाय, अब तो पता था। अगला क्वेश्चन, नहीं 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 सुनो, अरे नहीं वो नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, वसु का मतलब जो होता है वसु कर्म मेरे शांत कर दो, आठों कर्म मेरे शांत कर दो, वसु का अर्थ होता आठ, समझ गए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत छोटा सा अक्षर है, अष्टम तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा अक्षर था जैसे आपने देखा। अच्छा एक बात और, चलो अगला प्रश्न, एक मिनट, वसु का मतलब आठ ही होता है, किताब में खोल के देख लेना। अगला क्वेश्चन, तत्वा सूत्र का, तत्वात्र सूत्र का सबसे छोटा सूत्र, तत्वात्र सूत्र का सबसे छोटा सूत्र जिसको इनाम मिलेगा वो ना उठाएं। नानो, नानो, नानो शब्द से, नानो, नानो, चलो ठीक है, कल को बताऊंगा। क्यों बताओ, मैंने छोटा सूत्र पूछा है, तत्वा सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है नानो। चलो भैया इनाम दो। बोलो आचार्य विद्याभूषण सरमती सागर जी महाराज की, ज्ञान सागर जी महाराज की, संकल्प भूषण जी महाराज की, आर्य क्या गुरुवत गुरुमा दृष्टि भूषण माता जी की, जयकारा गुरुदेव का। एक प्रश्न और, माता जी छोटे बाजार में गए थे उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का वो उत्तम दश लक्षण धर्म का पर्व था, जो है माता जी ने एक दृष्टांत तोड़ दिया था। देखो सुनने वाले सभी हैं, मैं भी उसमें बैठा, मैंने पहली बार सुना जो है, वो कौन थे? अगर मैं इसमें एक शब्द लाइन जोड़ दूंगा उत्तर एक मिनट में मिल जाएगा। वे कौन थे जिन्होंने अपनी सील की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपनी सील की रक्षा के लिए कंपिला से झूठ बोल दिया कि मैं नपुंसक हूं? वे कौन थे जिन्होंने अपनी सील की रक्षा के लिए कपिला से अपने आप को नपुंसक साबित कर दिया? वे कौन थे? चलो रत्न वाला मग दे दो, कौन दे दो, कौन को दे दो? सेठ सुदर्शन। बहुत बढ़िया उत्तर है, आइए। वही तो थे सेठ सुदर्शन, सुकुमार जी। हाय निजानंद जी, इनको प्राइज देंगे। अरे राजेश जी आप आओ, आओ भैया इधर आ जाओ, ऐसे देखो ध्यान नहीं रहता। क्या हुआ? नरेंद्र सब आ जाओ जी। हाँ सेठ सुदर्शन जी, तो वही तो बताया उन्होंने भी, वही बताया इनको। अमित जी राजेश जी दोनों देंगे जी, तालियां बजाइए बच्चों के लिए प्रश्न। चलो बच्चों के लिए प्रश्न पूछे, बच्चे पहले शांत हो जाओ। जहाँ पर भगवान को विराजमान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर भगवान को विराजमान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पांच फेरनी पड़ेगी, पांच पांच फेरनी पड़ेगी, ध्यान रखना बोल रखे पहले। तो वेदी में विराजमान करते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बच्चे के लिए जोरदार तालियां जय।
महेंद्र जी देना जा बच्चों को जो अगले प्रश्न सुनो ध्यान से जो अगला प्रश्न ध्यान से सुनो देखो ये बातें बंद कर दे एकादश अंग पूर्व चौदह के पाठी गुण पच्चीस है धार भायंतर मुनि मुद्रा मान श्री उपाध्याय श्री को नमस्कार ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं जिसको प्राइज मिल गया वो जरा थोड़ा कष्ट कम करें औरों को मौका मिलेगा तो ज्यादा अच्छा बार बार हाथ उठाएंगे दर्द हो जाएगा वादा क्या है एकादशी अंग पूर्व चौदह के पाठी गुण है पच्चीस धार भायंतर मुनि मुद्रा मान उपाध्याय श्री को नमस्कार ये पंक्तनी किस जगह से ली गई है उसको मिल गया ना उसको तो मिल गया नहीं इनको मिल गया नहीं मिला अभी देव साहब गुरु की पूजा से लिया गया गलत एक मिनट ये बच्चा खड़ा हो जा बेटा खड़ा हो जा बहुत देर हो गई इनको हाथ उठाते हुए बाबू जी मैं तो तुम्हारे से बहुत उम्मीद लेके आया था कि कोई ना कोई तो प्राय उत्तर दोगे आप वो कार्मन 40 और कौन उठा रहा है रीटा जी उठा रही है क्या चलो खड़े हो जाओ रीटा जी खड़े हो जाओ एक मिनट ये बच्चे को पकड़ो किसका बच्चा आ जाए बच्चों को पकड़ो ये डिस्टर्ब हो रहे क्यों पैर में ढक गया तो गिरेंगे जो बिल्कुल सही उत्तर दिया पंच परमेश्वरी भगवान की जयमाला में से ये दो लाइनें ली गई हैं ये ध्यान देने वाली बात है बुलाओ जी किसको अमित जी सोलह कारण अभी गए हैं सबने पूजा पाठ करी है हमने भी करी है हमें भी साल में एक बार मौका मिलता है 10 दिन धोती दुपट्टा पहनने का रुकावट कोई नहीं रोजाना के लिए पर करते 10 दिन के अंदर ही है जो तो 16 कारण भावना जो है 16 कारण की जो पूजा है उसकी स्थापना करके बताओ 16 कारण जो पूजा है उसकी स्थापना करके बताओ प्रदीप मिला आपको नहीं मिला मिल गया सोलह कारण भय तीर्थंकर जे भय हर से इंद्रिय पार मेरु फैले गए पूजा कर निज धन लो चाव सो हम सोडस कारण भावे भाव सो ओम महेंद्र जी को जय राकेश जी जय महेंद्र जी को जय जैन स्कूल सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हैं आपके नया प्रबंधक हैं जोरदार तालियों में कंजूसी हो रही है तालियों में कुछ नहीं जाता सिर्फ हाथ बजाने पड़ते हैं 16 कारण का एक प्रश्न और अरे यार ब्यूटी सोलह कारण का पांचवा अर्घ 16 कारण का पांचवा अर्घ सुनाओ ध्यान से सुनो 16 कारण भावना की पूजा में पांचवा अर्घ कौन सा है उसको आपको सुनाना है नहीं वो तो मेरे जल चंदन क्षति याद है सदने वज बहु दीपक मान पूजो सिरिजिन मन गुन खान परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु सदने वज बहु विधि पकवान पूजो श्री चिन्वर गुण खान परम गुरु होए जय जय नाथ परम दर्श विशोद भाविना बार सोले तीर्थंकर पद दाय परम गुरु आइए भाई साहब बुलाओ के आओ अंकित आप दो हाँ बच्चों के लिए बच्चे उदास हो रहे हैं जी आपके यहाँ पर जो है हनुमान सागर महाराज जी की जो है पाठशाला चल रही है उस पाठशाला को यहाँ पर भी चल रही है और हमारे छोटे बाजार में चल रही है मैं उस पाठशाला के अंदर संयोजक बना हुआ हूँ हनुमान सागर महाराज जी की जो पाठशाला वहाँ चल रही है तो यहाँ के बच्चों को जो टीचर हैं अगर कोई आई भी हैं हम उनका मान सम्मान भी कर देंगे जो
तो आप ही अगर इन बच्चों से कोई प्रश्न पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा, पता तो लगे आप ध्यान दे रहे हैं। दो दो टीचर बैठी हैं, आप बच्चों से पूछो कि मैं तो पूछ ही लूंगा, आप टीचर हैं, आप कम से कम पूछो तो अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए प्रश्न है, आठवीं तीर्थंकर का नाम बताइए चिन्ह सहित। तुम्हें मिल गया ना? पूछो किस भी, आप पूछो किस तरीके इससे छोटे से बच्चे से पूछ लो। आठवीं चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा का चिन्ह। बहुत बढ़िया, ये बच्चों को ज्ञान किसने दिया? टीचर ने। और टीचर जो जो होती है प्रथम माँ होती है बच्चे की। आओ बेटा, ये अब आप नंदीश्वर दीप में पहुंच जाइए। नंदीश्वर दीप मैं देखो सारी पूजा से संबंधित पूछ रहा हूँ, कोई अपने पास से प्रश्न नहीं बना के लाया मुझे। नंदीश्वर दीप में चारों दिशाओं में कितनी प्रतिमाएं हैं? चारों दिशाएं में चारों दिशाओं में कितने जिनालय हैं, और उन जिनालयों में प्रत्येक जिनालय के अंदर कितनी कितनी मूर्तियां हैं, उनकी गुना भाग करके आपको बतानी है टोटल प्रतिमाएं कितनी विराजमान है, और वो प्रतिमाएं किस चीज की बनी हुई हैं। हाँ जी प्रदीप जी, नंदीश्वर दीप में कितने जिनालय हैं, उन जिनालयों में कितनी प्रतिमाएं हैं, एक एक जिनालय के अंदर कितने कितने प्रतिमाएं हैं, और टोटल कितनी प्रतिमाएं बनती हैं, और कौन सी धातु से हमें बनी हुई, सबका उत्तर एक में आ जाता है।